Find all pair of consecutive even positive integers, both of which are larger than 5, such that their sum is less than 23. यानी कि आपको ना दो consecutive even positive integer लेने हैं. देखिए even number लेने का मतलब क्या है? 2n. सीधी सी बात है. देखो, अगर आपसे कोई कहे कोई even number लेना है, तो even number होने की guarantee कौन देता है? Guarantee तब देता है जब वो दो का multiple हो. तो 2x ले लो. अब ये देखो हमेशा even है. जहाँ पर x आपका कोई natural number हो सकता है, ठीक है? X के लिए बोल देते हैं x belongs to natural number. तो ये पक्का even number है. ठीक है, ये पक्का आपका even number है. अच्छा, अगला जो consecutive तो 2x plus 2 हो जाएगा. सही बात है. अब इसने ये कहा है कि दोनों के दोनों जो number हैं आपके, ये जो पहला number है, जो दूसरा number है, ये दोनों के दोनों 5 से तो बड़े हैं. तो इससे आपको दो inequality मिल जाती हैं. एक तो मतलब ये आपका जो 2x है, वो भी 5 से बड़ा है, और जो 2x plus 2 है, ये भी आपका 5 से बड़ा है. आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा. Both of which are larger than 5. तो ये तो हमने निकाल लिया. अब उसने कहा कि इन दोनों का जो sum है, वो less than 23 होना चाहिए. ये जो है, sum is less than this. तो हाँ जी, तो 2x plus 2x plus 2 मतलब दूसरा number, ये पहला number है, ये दूसरा number. इन दोनों का जो sum है, वो less than 23 होना चाहिए. ये और बोला है उसने. ये हमें इससे पता चला. बस समझ में आई? यहाँ तक क्लियर हो गया. हमने सभी इनइक्वालिटीज लिख ली हैं. अब इन सभी इनइक्वालिटीज को ना हम एक प्रॉपर सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखते हैं. तो सबसे पहले दिस इंप्लाइज पहले वाली से आप क्या लिख सकते हैं? x इज लेस देन 5/2. इससे इस वाले से ये आ गया. सही बात है. अब जो दूसरे वाला है, ये इस वाले से अब देखते हैं क्या बनेगा. देखो ध्यान देना, 2 इधर गया होगा, 3 बना होगा, और फिर 2 से डिवाइड हुआ होगा. कहने का मतलब क्या है? x इज ग्रेटर देन 3/2. जी आएगा. अब यहां पर क्या है, ऐड हो जाएंगे ये दोनों. तो यहां पर क्या हो जाएगा, 4x और प्लस 2 लेस देन 23. अब ये 2 इधर चला जाएगा, 4x लेस देन, यहां पर क्या बनेगा, 21 बनेगा. x less than 21/4. अच्छा, अब आपको क्या बताना है, find all pair of consecutive even positive integers. तो अब यहां पर एक आप number line बना लीजिए ऐसे. अच्छा, अब इनमें बताइए, ये जो हमारे पास कुछ values निकल के आई हैं, equations जो निकल के आई हैं, एक तो निकल के आई है ये, एक equation निकल के आई है ये, और एक इक्वेशन हमारे सामने निकल के आई है ये. अब ये सभी इक्वेशन इस नंबर लाइन पे हम प्लॉट करेंगे एक एक करके. तो सबसे पहले 5/2 को करते हैं. 5/2 आपका एक तरह से 2.5 के आसपास है ना, और 3/2 आपका 1.5 के आसपास है, और 21/4 कितना है बताइए, 5.25 हो जाएगा. तो यानी कि तो सबसे बड़ा तो यही दिख रहा है आपको, है ना. तो मैं 1.5 से शुरू करता हूँ. तो 1.5 यानी कि आपका, और included तो कोई भी नहीं है. तो सबसे पहले ये वाली प्लॉट कर रहा हूँ मैं. देखो, ये ऐसे लिया, मतलब नंबर लाइन पे ले रहा हूँ, मैं अलग से ले रहा हूँ हटके. ये मैंने लिखा यहाँ पर 3/2 और greater than, greater than मतलब ये आपका जो है ऐसे लेके include नहीं है, और ये इस तरफ गया ऐसे. तो ये मैंने इसके लिए करा है. ये हमारी आपकी कह देते हैं 2, और अलग अलग कलर्स का यूज करूंगा मैं. ये आपकी 1 है और ये आपकी 3 है, ठीक है. अब 1 की बारी लेते हैं. तो 1 आपका क्या है, ये आपका 5/2 है. तो 5/2 है वो आपका आगे ही आएगा नंबर लाइन पे, इस तरफ आएगा. तो सपोज करो ये आपका यहाँ कहीं आ रहा है 5/2, तो ये 5/2 से बड़ा बता रहा है ना, तो बड़ा बता रहा है, कुछ ऐसे लिया जाएगा. समझ में आई बात? 21/4 जो कि 5.25 के आसपास है, तो ये आपका यहां पर कहीं ले लेते हैं. इसके लिए कलर हमने ये लिया है, ये आपका 21/4, ये ऐसे लिया जाएगा यहां पर कहीं, और ये ऐसे इस तरफ की तरफ जाएगा. तो आप गौर से देखिए, आपको कुछ पोर्शन कॉमन नजर आ रहा होगा. कॉमन पोर्शन कौन सा नजर आ रहा होगा, मैं दिखाता हूं. देखिए देखिए, ये जो हिस्सा है इसमें तीनों लाइन आ रही है. ये देखो, ए इतने हिस्से में,
ये जो हिस्सा आ रहा है आपका, इसमें आपकी तीनों लाइनें की शेड आ रही है, तीनों लाइनों की, बोलो हाँ कि ना। तो ये जो तीनों इसमें शेड आ रही है, तो यानी कि आपका कहां से कहां तक आ रहा है, यहां से और यहां तक। तो ये जो आपका पोर्शन मैंने अब जो शेड किया है, ये सभी तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो आपका जो ऑप्शन जो बनेगा, आंसर जो बनेगा, वो इसमें से बनेगा। तो 5/2 से मतलब ओपन रहेगा से लेकर 21/4 तक। अब आपको जितने भी कंसेक्यूटिव पेयर बनाने हैं वो इसमें से बनाने हैं। अच्छा, और अच्छा समझने के लिए देखो, ये आपका 2.5 है ना, और ये आपका 5.25 है, ठीक है। अब इसमें से आप पेयरिंग बनानी शुरू करो, तो ये आपकी एक्स की वैल्यूज हैं, याद रहे ये एक्स की वैल्यूज हैं आपकी सारी, राइट। तो इसके अंदर वैल्यूज क्या क्या बन सकती हैं आपके, देखिए एक्स की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, सोचो। देखो इसमें आप क्या ले सकते हो, एक्स क्या क्या ले सकते हैं, हम एक्स हम ले सकते हैं अगर, क्योंकि एक्स बिलोंग्स टू इसमें से है, बट वो एक कंप्लीट नंबर है, याद रहे इसमें से है बट वो एक कंप्लीट नंबर है। तो आप ले सकते हो, एक तो 3 ले सकते हो, ठीक है, 4 ले सकते हो, और आप 5 भी ले सकते हो, और आप 6 नहीं ले सकते, 6 तो पार हो गया ना, 2 नहीं ले सकते भाई, क्योंकि 2 2 इसलिए ले सकते कि 2.5 से बड़ा होना चाहिए ना, तो 2 हम नहीं ले सकते। अच्छा, तो अब आपको 3, 4 और 5 लेना है। अब आपको बताने कंसेक्यूटिव पेयर, तो सबसे पहला पेयर क्या बनेगा, एक्स की जगह आप अगर 3 रखते हैं तो एट एक्स बराबर 3, तो आपका पेयर क्या बनेगा, अब देखो एक तो बनेगा 3 × 2 = 6, 6 और 8, एक पेयर तो ये बनेगा, ठीक है। ये पेयर लिख रहा हूं मैं, याद रहे सुनो, ये पेयर लिख रहा हूं मैं, इसको इंटरवल में नहीं लिखता, लो ऐसे लिख देता हूं फिर। तो पहला पेयर तो ये बनेगा, दूसरा पेयर क्या बनेगा, एट एक्स बराबर अगर 4 लेता हूं तो 4 × 8, 4 × 8 और 8 के साथ 10 का पेयरिंग बनेगा, और अगर मैं लेता हूं 5 तो बनेगा क्या, 5 × 10 और 12। और आप देख सकते हैं इन सभी का, देखो 10 और 12 का टोटल 22, जो कि 23 से कम है और 5 से दोनों बड़े हैं, समझे।